मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों से मजदूर ग्रामीणों में खुशी की लहर। सिकटा प्रखंड के बलथर पंचायत के गरीब मजदूर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि कोरोना के समय हम लोग प्रदेश से जब अपने गांव लौटे तो हम लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। सरकार की योजना हम लोगों की समस्या खत्म कर दी तथा रोजगार मिलने से हम लोगों के समक्ष जो समस्या उत्पन्न हुई थी वो आज खत्म हो गई। वहीं बलथर पंचायत के सरपंच राज शरण पटेल ने बताया कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं पंचायत स्तर पर लाकर मजदूरों को रोजगार तथा पंचायत का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा मनरेगा योजना के मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए अच्छी है। सरकार को मनरेगा के तहत पंचायतों में रोजगार मुहैया कराना चाहिए ताकि गांव में रहकर ही लोग काम कर सके। कुछ अज्ञात व्यक्ति ने झूठे कंप्लेन किए थे जिसमें जिला के मनरेगा कर्मियों के डीपीओ ने जांच पड़ताल किया तथा ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत काम सही हो रहा है, सभी मजदूर खुश हैं। जी मनरेगा के तहत और मनरेगा डिपार्टमेंट को एक यहां से आवेदन दिया गया है जो आपके नाम से दिया गया था। वो हम जानते नहीं, हम औंठा छाप है, कोई मादरचोद आप गलती दे दिया है साइन। आपका साइन दूसरा कोई? हम औंठा छाप बिल्कुल है, वो चुतिया आदमी है, मादरचोद लोग है। वो लोग आदमी रोज काम आता है, मैं सुननी खुशहाली सारा लोग खुश बा। अब लोग इकट्ठा भइल बा तो अपन 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 काम छोड़ के सारा लोग उठाइल बा। का कुछ हुआ क्या? आ सुने मत आवत रहे के उजा के कहले बाटे जे काम होने वरिया नहीं के बढ़िया होत ये सब नु तो जानता वानी नीमन बाउर तो लोग चारू और बार नीमन काम करे वाला के गुंजाइश नहीं के। काम सही हो रहा है? होत नहीं गा सर, इतना दिन से मुखिया लोग हलो कहाँ करावत लोग हलो जाए ना पिटीशन भइल बा अबिन बात नहीं, चार पाँच महीना सालों ना लागल। धनेश पटेल मुखिया रहनी हमनी के सारा फाटफट के सब खत्म हो गई बा पिटीशन होते जाके देखो ला अपने कहम जे झूठ बोलता नहीं। रिखि पटेल बलथर आई जान बुझ के पिछला मुखिया अपना एथी के मान एथी राजनीति के तहत जान बुझ के गरीब के परेशान करे खतरा चाहे मुखिया जी के परेशान करे खतरा जी जायज का मत होको गरीब के परेशानी होको। संजीत पटेल भावरा हमें मैं कमानी सर हम लोग का देख ही रेख में हो रहा है। कितना दिनों से कार्य चल रहा है? लगभग एक महीना कुछ दिन हुआ। कार्य कैसा हो रहा है? बढ़िया काम हो रहा है सर, इस पर जाने का रास्ता नहीं था, बहुत कष्ट होता था लोगों को। अब पहले मुखिया जो रहे हुए थे वो काम भी नहीं कराए लोग, लेकिन इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। मैंने देखने से यहाँ पर जाने से लोगों का इतना कष्ट हो रहा था कि लोग गिर गिर जा रहा था सर, उन लोगों को इतना कष्ट हो रहा था। लोग आवेदन दिए हैं कि काम गलत हो रहा है। अब हर जगह सर अच्छा बुरा लोग होता है। अब मान लीजिए मैं ही कोई काम कर रहा हूँ, किसी के देखने से बुरा लगता है और कुछ लोगों को देखने से अच्छा लगता है, यही बात है। और बहुत सारे लोग हैं उनसे भी देख सकते हैं कि लोग बोल रहा है कि बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। सिकटा से रिजेंट गिरी की रिपोर्ट। एसटीपी प्लांट का सुब्रत कुमार सिंह ने किया उद्घाटन। भागलपुर सुल्तानगंज के नगर परिषद में बने एसटीपी प्लांट का जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। बताते चले कि एसटीपी प्लांट बन जाने से पूरे नगर के द्वारा गंदा पानी जो कि गंगा में प्रवाहित की जा रही थी, इससे आए दिन गंगा नदी में गंदगी फैल रही थी, उसको देखते हुए एसटीपी प्लांट के तारे नगर के गंदे पानी को इकट्ठा कर तथा प्यूरिफायर कर पूरे नगर क्षेत्र में सप्लाई किया जाएगा, जिसे नगरवासी अपनी दिनचर्या में उपयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि एसटीपी प्लांट जो भी कार्य अभी बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का सख्त हिदायत देते हुए चालू करने का निर्देश दिया। ये एसटीपी है जो ट्रीटमेंट प्लांट है, पानी जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करके और फिर जो है उसको मतलब सारी प्रक्रिया अपना करके उस पानी को यूज़ किया जाएगा, रीयूज़ किया जाएगा। तो वो प्लांट बन करके तैयार है, अब ये लोग ट्रायल कर रहे हैं और इसमें और कुछ कुछ जो कमी है जैसे क्लोरिनेशन वगैरह होना है तो वो सब सारी कार्रवाई चल रही है और इंजीनियर साहब ने ये भरोसा दिलाया है कि मार्च के अंत तक ये इसको स्टार्ट करवा देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि गंगा में जो गंगा नदी में गंदा पानी गिरता है जिस कारण नदी प्रदूषित होती है, तो उससे जो है हम लोगों को बहुत हद तक जो है उससे उसको हम लोग रोक पाएंगे और गंगा का प्रदूषण जो है, गंगा नदी का प्रदूषण जो है वो काफ़ी कम हो पाएगा। सुल्तानगंज तो ऐतिहासिक शहर है, नगर है, तो ये हम लोगों का प्रयास है कि इस बार का जो सावन का महीना हो उसमें गंगा में कोई गंदा पानी ना गिरने पाए, कोई प्रदूषित
जो है सामग्री गंगा में न जाने पाए पानी के माध्यम से, ये हम लोगों का प्रयास है। इंजीनियर साहब ने भरोसा दिलाया है कि अप्रैल में इसको चालू कर देंगे। कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं, उनको भी हमने बोला है कि आप जा कर के देख लीजिए कि अभी भी छोटे छोटे नाले जो गंगा में गिर रहे हैं तो उनको जो है इस प्रोजेक्ट में टैप किया गया है कि नहीं किया गया है, एक बार उसको सुनिश्चित हो लें। पंपिंग स्टेशन भी जो बनना था वो भी बन करके तैयार हो गया, उसमें भी लैंड वगैरह की समस्या थी, सब हम लोगों ने दूर करा करके, और बहुत खुशी की बात है कि काम कंप्लीट हो गया है, अब लास्ट स्टेज में है और अगले 1 से 2 महीने में ये पूरी तरह से। सर इनसेट का काम तो पूरा हो गया है सर, लेकिन आउटसेट का जो काम वही है, वही डिप्टी इंजीनियर साहब कर रहे हैं, सब करके 1 से 2 महीने में आप लोगों को अप्रैल में देखेगा ये जो पूरा ट्रीटमेंट प्लांट है, अप्रैल फर्स्ट वीक में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। अतुल भारती, सुल्तानगंज।